के बारे में जानते तो हैं अच्छे तरीके से, हमें ये भी पता है वो भारत रत्न है, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन हमने उनके संघर्षों को देखा है दूर से, पढ़ा है दूर से, लेकिन जाना नहीं है उन्होंने कैसी कैसी दुख तकलीफ़ें देखी हैं वो नहीं जाने हैं। आज मौजूदा जो हालात हैं हमारे देश में वो सिर्फ राजनीति तो करना चाहते हैं अम्बेडकर साहब के नाम, लेकिन जो सही तरीके से राजनीति ताकि हमारे देश को विकसित कर सके वो नहीं करना चाहते। अम्बेडकर साहब ने एक नारा दिया था, संगठित रहो शिक्षित बनो, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते, उस पर हमारी ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ही काम नहीं करना चाहती। जैसे सरकारी स्कूलों में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे सरकारी स्कूलों के हालात हैं, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी अधिकारी, कोई भी बड़ा व्यक्ति जो भी होता है रुतबे में, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, वो नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा हो। और जो निजी स्कूलों में दाखिला कराना चाहें हमारे बीच के लोग या कोई मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनके सामने डोनेशन आ जाती है। अब जब महंगी महंगी 1-2 लाख रुपये की डोनेशन आती है तो लोग बात सोचते हैं कि क्यों ना हम निजी व्यवसाय करें, पढ़ाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे लोग जो है, वो ही नहीं चाहते कि हम शिक्षित बने, हमारे लोग शिक्षित बने, तो उस पर काम करना चाहिए। शिक्षा को एक इस तरीके से नहीं बेचा जाना चाहिए जैसे अभी अभी लागू किया है, IIT में 90,000 रुपये हुआ करती थी उसकी सालाने की फीस, अब 2 लाख रुपये कर दी गई है। तो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर जो हमें अपने देश को बढ़ाना है, अपने युवाओं को एक अच्छी जगह पर भेजना है, तो हमें शिक्षा को मंदा करना पड़ेगा। और क्या वजह है अगर जो हमारे देश के ही होनहार लोग अमेरिका में जाकर काम करते हैं और वहाँ पर ही एक महान साइंटिस्ट बन जाते हैं, तो उसी पावर को, उसी टैलेंट को अगर जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो हम विकासशील से, जो कि 50-60 साल से चल रहे हैं, विकासशील से विकसित हो सकते हैं। एक साल में ना केजरीवाल के साथ सुझाव नहीं देखे, उनके जो उन्होंने कहा है उन पर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें उन पर चलना चाहिए और संगठित होकर ऐसे काम करना चाहिए जिसे हमें संगठित होने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। संगठित हम सिर्फ मजहब के नाम पे हो जाते हैं, कभी मजहबी दंगे होते हैं उन पे हो जाते हैं, जब जातिगत भेदभाव होते हैं उन पे हो जाते हैं, इन चीज़ों पे तो हम संगठित हो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हम अपने मुल्क के खातिर, हम अपने मुल्क के खातिर अगर जो एकजुट हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, तो हम अपने मुल्क को चाइना अमेरिका सबसे आगे ले जा सकते हैं। हम 125 करोड़ की आबादी रखते हैं, हम दूसरे नंबर की जनसंख्या, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, तो हम अपने देश को बहुत ज़्यादा आगे